वेलकम फ्रेंड्स, स्लंतंत्र चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जीके करंट अफेयर्स जो कि अपकमिंग ASRLM जो कि आसाम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन का जो रिक्रूटमेंट निकला है एंड अपकमिंग APTCL का जो रिक्रूटमेंट आएगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ASRLM एग्ज़ाम में 40 मार्क्स का जीके करंट अफेयर्स रहता है। ठीक है गाइस, याद रखिए 40 मार्क्स का जीके करंट अफेयर्स रहता है, और जो APTCL एग्ज़ाम होगा उसमें APTCL में आपका मिनिमम 30 मार्क्स का जीके करंट अफेयर्स रहेगा। ठीक है गाइस, तो जीके करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आप लोगों को जीके करंट अफेयर्स का जितना भी हेल्प हो सकेगा मेरे चैनल में, मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, अगर चैनल में फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्ज़ाम है उसका जितना भी जीके करंट अफेयर्स वीडियो है आप लोगों को मेरे चैनल में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। भी अपकमिंग रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं एज फार एज पॉसिबल आप लोगों को हेल्प करने का ट्राई करूंगा। तो चलिए आज का जीके करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट जीके करंट अफेयर्स फॉर अपकमिंग APTCL ASRLM SSCGD एंड DHS एग्जाम्स के लिए। ठीक है गाइस, तो देखिए पहला क्वेश्चन। तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, हु वॉन द MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 इन नवंबर। फ्रेंड्स, सारा क्वेश्चन अपडेटेड है। ठीक है गाइस, कोई भी पुराना क्वेश्चन नहीं है। ठीक है गाइस, तो आप लोग इसका नोट्स ले लीजिए एंड इस वीडियो का जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा 1 से 2 दिन का बीच, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन द MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 इन नवंबर। तो MotoGP 2022 नवंबर में किसने जीता है? तो आंसर होगा फ्रांसिस्को बेंगानिया। ठीक है गाइस, फ्रांसिस्को बेंगानिया काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसको बनाया गया है? आंसर है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ठीक है गाइस, लिख दीजिए आप लोग जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज इलेक्टेड एज डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द GSM एसोसिएशन इन नवंबर। तो GSM एसोसिएशन का नवंबर का डिप्यूटी चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो उसका आंसर होगा गोपाल विट्टल। ठीक है गाइस, गोपाल विट्टल इज द न्यू डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ GSM। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 5th चीफ जस्टिस इन इंडिया। तो 5th चीफ जस्टिस किनको बनाया गया है? तो आंसर होगा जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है गाइस, जस्टिस DY चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रॉकेट टू बी लॉन्च इन टू स्पेस इन फॉर्म ए तेलंगाना बेस्ड एरोस्पेस कंपनी। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रॉकेट जो कि स्पेस में लॉन्च कराया जाएगा तेलंगाना से, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है VikramS। ठीक है गाइस, उसका नाम है VikramS। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का काफी चांसेस है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आ जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नेम्ड द ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्डेड फॉर अक्टूबर 2022। ठीक है गाइस, देखिए सारा क्वेश्चन अपडेटेड है, अक्टूबर नवंबर ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, सारा अपडेटेड क्वेश्चन मैं शेयर करता हूँ चैनल में। तो आंसर होगा विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 7, हु लॉन्च द लोगो ऑफ पर्पल फेस्ट टू बी हेल्ड इन गोवा। तो पर्पल फेस्ट जो गोवा में अनुष्ठित होता है, ठीक है गाइस, उसका लोगो किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा गोवा CM प्रमोद सावंत। ठीक है गाइस, गोवा PM प्रमोद सावंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर इन मैरीलैंड यूनाइटेड स्टेट। तो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट कौन है? आंसर होगा अरुणा मिलर। ठीक है गाइस, आंसर होगा अरुणा मिलर। अगला क्वेश्चन, विच चैंपियनशिप विल इंडिया होल्ड इन 2023। तो कौन सा चैंपियनशिप होने वाला है 2023 में? आंसर है वोमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। तो 2023 में वर्ल्ड बॉक्सिंग वोमेंस चैंपियनशिप इंडिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच टीम हैज वॉन द 2022 एडिशन ऑफ द साइद मुश्ताक अली ट्रॉफी। साइद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन सा मतलब स्टेट ने इस बार विन किया है? तो आंसर होगा मुंबई। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन, हु विल होस्ट खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स इन 2022 एंड 2023। तो हु विल होस्ट द खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इस साल का जो खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स होगा वो होगा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 12, हु बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 4000 रन इन T20। तो T20 में 4000 रन करने वाला कौन सा बैट्समैन है? तो आंसर होगा विराट कोहली। अगला क्वेश्चन, ऑन विच रूट डिड PM मोदी फ्लैग ऑफ द फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन इन साउथ इंडिया।
तो पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस साउथ इंडिया में कौन सा रूट में इनोग्रेशन किया है? तो आंसर होगा मैसूर टू चेन्नई रूट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन एसएससी जीडी में आ सकता है एंड जो एएसएलआरएम का एग्जाम होगा उसमें भी आ सकता है। ठीक है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलवे से रिलेटेड जो सब क्वेश्चन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च नेशन वाइड कैंपेनिंग फॉर द प्रमोशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट? तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कौन सा मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो आंसर देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंस एंड पेंशन। ठीक है गाइस, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंसेस एंड पेंशन ने जो लॉन्च किया है उस सर्टिफिकेट का नाम है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। ठीक है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डिड पीएम मोदी अनवील द 108 फीट स्टैचू ऑफ नाधा प्रभु कैंपे गोदा? ठीक है गाइस, नाधा प्रभु कैंपे गोदा का 108 फीट मतलब जो स्टैचू है कहाँ पे लॉन्च मतलब इनोग्रेशन किया है? तो वो होगा बेंगलुरु में। ठीक है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है एग्जाम में, सारा क्वेश्चन अपडेटेड है। ठीक है गाइस, नवंबर का है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडियन रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन? ठीक है, तो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का मतलब जो प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है वो होगा रमेश केजरीवाल। ठीक है, नाम होगा रमेश केजरीवाल। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकेम इंडिया टॉप बायर ऑफ पेट्रो प्रोडक्ट? तो कौन सा कंट्री बिकेम इंडिया टॉप बायर ऑफ पेट्रो प्रोडक्ट? इंडिया से जो पेट्रो प्रोडक्ट बनता है उसका टॉप बायर कौन सा कंट्री है? तो आंसर होगा नेदरलैंड। ठीक है गाइस, आंसर होगा नेदरलैंड, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, व्हिच स्पोर्ट्समैन हैज बीन साइन एज अ फ्रेंडशिप एम्बेसडर फॉर स्विट्जरलैंड टूरिज्म? तो स्विट्जरलैंड का टूरिज्म के लिए फ्रेंडशिप एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो आंसर होगा जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन, व्हिच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज तमिलनाडुज 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो 17 नंबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु का कौन सा बना है? गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। तो आंसर होगा केवेडी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केवेडी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ प्रसार भारती? तो प्रसार भारती का सीईओ किसको बनाया गया है? आंसर होगा गौरव द्विवेदी। ठीक है गाइस, गौरव द्विवेदी को बनाया गया है प्रसार भारती का न्यू सीईओ। ठीक है गाइस, सारा क्वेश्चन अपडेटेड है, आप लोग अच्छा से देख लीजिए। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 21, वेयर विल कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 विल बी होस्टेड? तो कबड्डी 2025 कहाँ पे होगा? तो होगा आंसर इंग्लैंड में। ठीक है गाइस, तो कबड्डी 2025 कहाँ पे होगा? इंग्लैंड में होगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रीइलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ आईसीसी? तो आईसीसी का चेयरमैन फिर से किसको सिलेक्शन किया गया है, इलेक्ट हुआ है? तो आंसर होगा ग्रेग बार्सेली। ठीक है गाइस, ग्रेग बार्सेली। तो गाइस, ये तो था कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन जो कि नवंबर से रिलेटेड है, जो कि अपकमिंग एपीडीसीएल एग्जाम एंड एएसएलआरएम एग्जाम एंड अदर एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे डेली जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड और एक बात गाइस, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एपीडीसीएल हो या स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, आप लोग मेरे जो फेसबुक पेज है, जो फेसबुक ग्रुप है जिसका नाम है आसाम टेट 2023 एंड गवर्नमेंट 1 लाख जॉब प्रिपरेशन ग्रुप, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, और आप लोग ये जो नाम है आसाम टेट 2023 एंड गवर्नमेंट 1 लाख जॉब प्रिपरेशन ग्रुप, ये नाम को भी फेसबुक में सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में डेली एमसीक्यू एंड करंट अफेयर्स का जितना भी सारा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है चैनल में आप लोगों को अपडेटेड मिलता रहेगा। गाइस, आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, पेज से जुड़े रहिए। ठीक है गाइस, थैंक यू।